देश इनकी जागीर नहीं है, ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बीजेपी का विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। खर्रा साहब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि दो बच्चे या दो से ज्यादा बच्चे वालों को सुविधाएं नहीं देगी सरकार, और उन्हीं के विधि मंत्री कहते हैं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव है ही नहीं विचाराधीन। और जो विधायक हैं यहाँ से अवामेल से आने वाले, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, हम और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, संविधान को बदलने की साजिशें रच रहे हैं। यही तो हमारा सवाल था, और आज ये प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अगर 400 पार आ जाते तो इस संविधान को खत्म करते, आरक्षण को खत्म करते, हिंदू मुस्लिम का जो जहर है वो पूरे देश में फैलाने का काम करते, नफरत फैलाते और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। आप देखिए इनकी सोच, देखिए कि संविधान की हत्या का दिवस 15-25 जून को मनाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए, देश की सरकार है, वो संविधान की हत्या शब्द को वहां पर कितने साल बाद में, कब की घटना, 75 की घटना है, और 75 की घटना को आज ये 10 साल बाद में इस तरीके से वहां पर गजट नोटिफाइड करवा रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, और किस प्रकार से जो ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उनसे उस हाउस का दुरुपयोग करवाया जा रहा है। तो ये सही मायने में जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पार्टी के लोग कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये नफरत फैला करके देश पे सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और आने वाला समय बताएगा। अभी तो बहुमत से काफी दूर रह गए, 5 साल ये सरकार चला नहीं पाएंगे। और मुझे जो इनका यहाँ राजस्थान में ढंग दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये सरकार मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश समझ में भी नहीं आ रहा है, मंत्रियों के मुझे क्या काम करना वो समझ में नहीं आ रहा, इनको ऐसे बाबू मिल नहीं रहे हैं, अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा, बना मुख्यमंत्री जी रहे थे, अंतिम जो रूप दिया गया वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया, फिर पढ़ा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उसके बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं, फिर जो समीक्षा है बजट को इम्प्लीमेंट करने की उसमें वित्त मंत्री गायब है, और आज मैं समझता हूं कि जवाब वित्त मंत्री का हक बनता है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी कई तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं समझता हूं कि कल शायद सीएम को इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि आप इस तरीके से वहां पर झगड़े मत फैलाइए, अपने आप को पूरी सरकार को कंट्रोल कीजिए, एमएलए को कंट्रोल कीजिए। एक इस्तीफा तो दिया हुआ है, वो इनसे निपटा नहीं, और दूसरे इस्तीफे की तैयारियां चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, प्रदेश के विकास से इनको कोई वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से एक शिक्षा मंत्री अनलगर बयानबाजी कर रहा है, इनके यूडीएच मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, इनके एमएलए किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर झगड़े फैल जाए, नफरत फैल जाए और ये प्रेम भाईचारा खत्म हो जाए प्रदेश का, तो ये लोग बाग पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल, नफरत का माहौल पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे, और आने वाले 5 चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा, और उसके बाद में या पहले इनकी पर्चियां बदलने वाली। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज और नगर निकाय के उपचुनाव भी नहीं करवा पा रही है हार के डर से। आप देखिए कि भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का पद खाली है, जिला उप प्रमुख को चार्ज नहीं देके कलेक्टर को दे रखा है, और जगह कुछ जगह चुनाव हो गए, 13-14 जगह इन्होंने चुनाव स्थगित कर दिए, उसमें भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव भी है। मैं दावे के साथ कहता हूं आज चुनाव करा लो, वहां पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री का स्वयं का जिला है।
भादरा में आपने देखा होगा कि किस प्रकार सारे के सारे पार्षद बहुमत के साथ नगर पालिका में वोटिंग के लिए पहुंच गए थे अपने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, और एसडीएम को छुट्टी यहां से सीएमओ से कह करके भेज दिया गया कि आप छुट्टी चले जाइए। और कई जगह मैं बता सकता हूँ, चित्तौड़ में बता सकता हूँ, बहुत सी ऐसी जगह है यहाँ ये हार के डर से चुनाव नहीं करवा पा रहे। कितने दिन बचेंगे, कितने दिन बचेंगे? जब भी चुनाव होंगे, हम लोग चाहे उपचुनाव हो, पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के 5 उपचुनाव हो, हम जीतेंगे। ये वन स्टेट वन इलेक्शन की राग इसीलिए अल्पाना चाहते हैं कि ये जनप्रतिनिधियों के जो पद हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। पंचायत राज और नगर निकाय में इनकी हार बुरी तरह होने वाली है, इसलिए उससे बचने के लिए इस तरीके की बात करके और ये पंचायत चुनाव को टाड़ करके प्रशासक लगा करके जनप्रतिनिधियों के अधिकार को छीनना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। आप बताइए कि ये बजट का भाग था क्या कि वन स्टेट और वन इलेक्शन की तरफ हम प्रस्तावित कर रहे हैं? क्या प्रस्ताव कर रहे हो? आपके खुद के प्रदेश ही समझ में नहीं आ रहा है, आप बजट ही ढंग से नहीं दे पा रहे हो। हमारा बजट था, उसको रिपोलिश किया गया है, विजन 2047 का बता रहे हैं, और अभी विधानसभा चल रही है, इसका विजन भी ठीक ढंग से ये बना नहीं पा रहे हैं। किस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके हाउस को डिस्टर्ब कर, सत्ता पक्ष, शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि हाउस डिस्टर्ब हो, जबकि सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि हाउस चलाए, और विपक्ष फिर भी कोई मुद्दों को लेकर के बेल में आ जाता है, लेकिन ये तो खुद ही सारे दिन डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। तो इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, इनका कानून पे विश्वास नहीं है, इनका संविधान पे विश्वास नहीं है। इनको मजा पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने, जनता ने चखाया है, और आगे भी मैं समझता हूं कि कोई उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। 13 उपचुनाव थे, 2 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये इनके लिए ठीक नहीं है, ये समय रहते समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इनको सड़क और सदन में घेरने का काम करेंगे। सरकार देखो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही, न बीमारियों को कंट्रोल कर पा रही है, न विकास के काम करा पा रही है, न अपने विधायक और मंत्रियों को कंट्रोल कर पा रही है। अब किरोड़ी जी कहाँ हैं, गायब हैं, कोई मतलब कहाँ बैठे हैं, दिल्ली हैं, जयपुर हैं, अपने घर पे हैं, किसी को पता नहीं, छुट्टी ले ली पूरे 70 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये खुद के जनप्रतिनिधियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये बीमारी क्या कंट्रोल करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार में चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि दोबारा कोविड की तरह, कोरोना की तरह कहीं कोई पूरा प्रदेश महामारी या बीमारी की जद में नहीं आ जाए।